मेरा बेटा जो आईसीयू में है, एक बार उसका बयान आ जाने दो। फिर जेल की सलाखें और दीवारें तुम्हारी अकड़ से कितनी सख्त है ये पता चल जाएगा तुम्हें। फिर देना कानून को ये संस्कारों के भाषण और परवरिश की गुहारी, और जिसे सिपाही और इंस्पेक्टर के रुतबे के बीच का फर्क नहीं मालूम उसे इंस्पेक्टर की हैसियत मैं समझाऊंगी। सर, पेशेंट को होश आ गया है। इतने को लेके आओ। संत बख्शी का खानदान है ये। गंदे है DYSP। माँ बाबू जी तो गए हैं। एक काम करती हूँ, सिंधु को ही फोन लगा के पूछ लेती हूँ कि आखिर हो क्या रहा है वहाँ। क्या फायदा रहा अभी दीदी, अगर हीर इस घर में नहीं होती तो क्या ऐसा होता? उसकी असली जगह उन किन्नरों के घर में है। मैं बोलती रही कि उसे वहां भेज दो, लेकिन मेरी कभी किसी ने सुनी ही। अच्छा क्या माही, किसी ने भी ना तेरी नहीं सुनी। एक काम कर, तू ही चाय बना ले। तुझे नहीं लगता आज का दिन बड़ा शुभ है? किसी ने तो हिम्मत दिखाई उस किन्नर को आई लव यू बोलने की। और उसके बाद जो ये हंगामा हो रहा है उसका क्या? हंगामा नहीं है, हमारी कोशिशों की जीत है। जल्द ही इस प्यार की हवा हीर को भी लगने वाली, और जिस प्यार ने सौम्या की जिंदगी बर्बाद करके रख दी वही प्यार उस हीर की जिंदगी भी तहस नहस कर देगा। उसके किन्नर होने की सच्चाई सामने लाएगा। तो अब हम क्या करें? हमें कुछ नहीं करना, जो भी करेगा वो लड़का करेगा, क्योंकि उसे देखकर यही लगता है कि उसमें भी हरमन जैसी हिम्मत और पागलपन है। तो जो हश्र हरमन और सौम्या का हुआ था वही इतिहास फिर से दोहराया जाने वाला है। तो ठीक है, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं मां। सर, आपका बयान लेना था। जी विराट, इसी लड़की के भाइयों ने तुझे छत से फेंका था ना, तभी तो गिरा ना, है ना? विराट, यही वो लड़के थे ना? भगवान जी, जेल से बचा लो प्लीज। इसकी ना याददाश्त बुला दो, कैसे भी करके बचा लो भगवान जी। सबको जेल हो जानी है वरना यहाँ। पैर फिसल गया था मेरा, तभी गिर गया। Oh,
लेकिन कॉलेज के लोग तो कुछ और बोल रहे हैं। भाई गिरे हुए हैं या मैं, या तो आप उनकी बात मान लीजिए या तो मेरी। अच्छा तो तुम छत पे इसलिए गए थे ताकि तुम्हारा पाँव फिसल जाए? माँ कॉलेज में पक रहा था, थोड़ी हवा खाने गया था छत पे। हो गया बयान, ले लिया सब कुछ, अब चले। हाँ अब क्यों रोकेंगे, जब खुद के बच्चों के कदम लड़खड़ाने लग जाते हैं तो लोग दूसरों पर ही इल्जाम लगाते हैं। बुके में से एक फूल ले लूं प्लीज? अंकल एक फूल ही तो मांग रही हूँ, पूरा बुके नहीं, ले लूं प्लीज प्लीज? थैंक यू। मुझे दे दे इतनी इजाजत, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी फिसल गया था मेरा, तभी गिर गया। Get well soon, Viraj Singh. हीर
दादू मैं तो यही हूँ। सोहम अपना हाथ दिखा। कुछ नहीं। चोट लगी है। खुद का ना बिल्कुल ख्याल नहीं रखता तू। अरे हीर कुछ नहीं है। चल तो नहीं रहा। हीर तुझे कितनी फिक्र है ना हमारी। फिक्र क्यों नहीं होगी तेरी, दुनिया से खुद लड़ता फिरता है मेरे लिए, फिक्र होगी ना बहन हूँ तेरी। ऐसी है ये, खुद के मामलों में इतनी लापरवाह है और दूसरों की बड़ी परवाह है तुझे। दवा लगा ली, अब चले हैं? चलो। सोम उस लड़के के साथ तूने जो कुछ भी किया ठीक किया, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। ये पुलिस पुलिस के चक्कर सही नहीं होते हैं तुम लोगों की उम्र में। होता होगा दादी, I don't care. मुझे बस इतना मालूम है हीर के साथ ऐसा कोई हरकत दोबारा करेगा ना तो उसका मैं हाल इससे भी बुरा करूंगा, भले ही मुझे जेल जाना पड़े। नानी ठीक कह रही है सोहम, थोड़ा दिमाग से सोचा करना, हर प्रॉब्लम की सलूशन मारपीट नहीं होती है। अरे वीर जी आप तो रहने ही दो, मुझे बस इतना मालूम है ऐसे जो टाइप के लड़के होते ना इनको बस मारपीट की लैंग्वेज समझ में आती है और कुछ नहीं। इतनी हिम्मत, अभी देखता हूं इसे। गाड़ी से कोई नहीं उतरेगा, सिर्फ हीर उतरेगी। हीर मैं जानता हूं तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए कह रहा हूं अकेली उतर जाओ। वीर जी इसके लिए तुम नहीं काफी हो, इसे मैं संभालती हूँ। क्या है हमारी गाड़ी इस तरह बीच में क्यों रोकी? छत पे चढ़ा था मैं अपने प्यार का इजहार करने के लिए, नीचे गिरा चोटें खाई, लेकिन पता है क्या, दर्द का कोई एहसास नहीं था। ये जो तुम्हारा प्यार है ना, ये सिर्फ प्यार नहीं, मेरे हर दर्द की दवा है ये। हाथ में गन लेके मेरी फैमिली को डरा धमका के तुम प्यार और दवा की बातें कर रहे हो? एक्चुअली में जो लोग प्यार करते हैं ना वो इस तरह गोलियां नहीं चलाते। और वैसे मैं कैसे मान लूं कि तुम जो कह रहे हो वो सच है? तुम मेरे लिए एक फूल और एक चिट्ठी लेकर आई थी ना, तो आज मैं अपना प्यार जताने के लिए हजारों फूल और चिट्ठियां लेकर आया हूं, तुम्हें ये साबित करने के लिए ये जो तुम्हारे लिए प्यार है ना मेरे लिए दीवानापन है, और ये जो तुम्हारा दीवाना है ना इसको सिर्फ गोलियां चलाना नहीं आता, प्यार जताना भी आता। I'm gonna do it.
गॉड, ये लड़का तो मेरे ख्वाबों में भी आने लगा। आपको रेस्ट की जरूरत है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर, आप भी जाइए थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। ऐसी मेरा ख्याल रख रख के बहुत परेशान हो गई होंगी आप। एक्सक्यूज मी सर, ये लो, किसी ने आपको बेस्ट विशेस दिया है। अब जिसने भी दिया है उनकी दुआ तो मुझे लग गई, और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यारा सा फूल उस प्यारी सी सिस्टर को मिलना चाहिए जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा। थैंक यू। और रही बात गेट विल सून कार्ड की, तो जब तक आप जैसे काबिल नर्सेज और डॉक्टर्स हैं तो इन सब चीजों की क्या जरूरत। क्या हुआ बच्चे, तू तो बड़ी खुश नजर आ रही है। नहीं दादी, वो वैसे ऐसा कौन सा झगड़ा हो गया तेरे और उस लड़के के बीच कि तुझे मनाने के लिए वो छत पर चढ़ गया। शन्नु दादी, झगड़ा तो तब होगा ना जब उससे कोई मेरी दोस्ती होगी। मैंने तो उस लड़के को आज पहली बार देखा, उसे जानती तक नहीं मैं ठीक से। पता नहीं उसके सर पर कौन सा भूत सवार हुआ जो छत पर चढ़ के सीधा आई लव यू हिट चिल्लाने लगा। आई लव यू कहा उसने तुझे? शन्नु दादी बिलीव मी, मुझे तो ये भी नहीं पता कौन है वो। आज पहली बार कॉलेज में मिली मैं उससे। कोई बात नहीं हीर, मैं तो तुझे सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर उस लड़के को लेकर तेरे मन में कुछ भी है तो तू मुझे जरूर बता सकती है। मैं बाकी के घर वालों की तरह नहीं हूँ, मैं तो तेरी दोस्त हूँ, है ना? तू मुझे जरूर बता सकती है।